हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओ इट्स गर्ल जो में। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वैकेंसी लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इजराइल कंट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट आई है, वो कुछ ऐसे मैन पावर ऑफिस हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट आई भी हैं, तो मैं आज उनके बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों उसमें चार पोजिशन की रिक्वायरमेंट है, आपको मैं बता देता हूँ कौन सी पोजीशन है और कौन से ऑफिस में आई हुई है। दोस्तों उसका मैं आपको एड्रेस भी दे दूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। तो दोस्तों इसमें जो इजराइल की बात करें तो दोस्तों इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का रिक्वायरमेंट है और इसमें दोस्तों मोल्डर्स शटरिंग कारपेंटर चाहिए। और दूसरी जो वैकेंसी है दोस्तों रीबर स्टील फिक्चर वाली है। एंड तीसरी जो है दोस्तों इसमें फ्लोरिंग टाइल मेसन है एंड प्लास्टर मेसन भी है। चार पोजीशन की ही रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों मैं आज उनके बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो जो ऑफिस का नाम मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उस ऑफिस में आप जाके इंक्वायरी कर लेना अपने जॉब के रिगार्डिंग, उसके बाद ही अप्लाई करना, छानबीन कर लेना दोस्तों। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट किसी ऑफिस में जाके अप्लाई करता है तो आप छानबीन करके ही अप्लाई करो, क्योंकि हमारे को इतना पता नहीं होता, हम आपके लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, सूचना लेके आते हैं, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इजराइल की जो रिक्वायरमेंट आई है, ये रिक्वायरमेंट दोस्तों कुछ मैन पावर जो एजेंसियाँ हैं उनके पास आई हैं और इनका चार्ज भी होगा। इनका जितना चार्ज होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको वहाँ से बता दिया जाएगा जब भी आपको कॉल आएगा। तो मैं थोड़ा आपको ये बता देता हूँ कि इजराइल की जो रिक्वायरमेंट आई है, ये दोस्तों अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर ए लीडिंग कंपनी ऑफ विच ऑपरेटर इन द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो दोस्तों इजराइल की जो रिक्वायरमेंट है वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है और इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो दोस्तों चालू हो चुकी है। इसमें दोस्तों मिनिमम 3 साल का गल्फ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड दिया गया है, 3 साल का गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए कैंडिडेट को। और इसमें दोस्तों आप देखोगे पोजीशन की बात करें तो दोस्तों इसमें मोल्डर्स शटरिंग कारपेंटर चाहिए एंड रीबर स्टील फिक्सर चाहिए एंड फ्लोरिंग टाइल मेसन चाहिए एंड प्लास्टर मेसन चाहिए। तो दोस्तों ये चार पोजीशन की ही रिक्वायरमेंट है। इसमें दोस्तों कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। दोस्तों कैंडिडेट को 3 to 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, यानी बिल्डिंग लाइन का। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है दोस्तों, मैं आपको नीचे ऑफिस का एड्रेस भी बता देता हूँ। इसमें दोस्तों सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, वही आपकी 1,40,000 समथिंग या 1,37,000 समथिंग मिलने वाली है। और इसमें आप देखोगे तो वॉक इन शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू जो है विल बी हेल्ड बिटवीन 10 to 6 PM मंडे टू सैटरडे। इसका दोस्तों इंटरव्यू जब भी होगा आपको वहां से कॉल आ जाएगा। ये दोस्तों चार्ज वाली वैकेंसी है, ये मैन पावर का मैं ऑफिस आपको बता रहा हूं। इसका जो दोस्तों मैन पावर का जो ऑफिस है वो 5 जगह ऑफिस हैं और इसमें दोस्तों इंटरेस्टेड कैंडिडेट विजिट द ऑफिस फॉर वॉक इंटरव्यू एलोंग विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बायोडाटा एंड पासपोर्ट। यानी दोस्तों जो भी कैंडिडेट पैसे दे करके मैन पावर के जरिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आज एक वैकेंसी लेके आया हूँ। और इसमें दोस्तों आप जो ऑफिस का एड्रेस दिया जा रहा है, ऑफिस में डायरेक्ट जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना बायोडाटा CV पासपोर्ट कॉपी एंड फोटो ये सब ले जा सकते हैं, सर्टिफिकेट जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको भी। तो दोस्तों ये ले जा करके आप डायरेक्ट ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट मुंबई में हैं वो मुंबई में है तो मुंबई का मैं एड्रेस बता रहा हूँ। ये दोस्तों मुंबई का जो एड्रेस है ये गाला नंबर 12 बिजोला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपोजिट सुमन नगर सियोन ट्रॉम्बे रोड चैम्बूर। तो ये दोस्तों मुंबई का ऑफिस का एड्रेस है। और दोस्तों दिल्ली में जो कैंडिडेट हैं वो दिल्ली में, दोस्तों दिल्ली का एड्रेस मैं बता देता हूँ, ये बिल्डिंग नंबर 3 सेकेंड फ्लोर शांत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश नियर वोडाफोन स्टोर न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली का दोस्तों एड्रेस है। और दोस्तों जो कैंडिडेट चेन्नई में हैं उनके लिए भी दोस्तों एड्रेस मैं बता रहा हूँ। चेन्नई ऑफिस का जो एड्रेस है दोस्तों ये 28 आरती अर्केड 86 डॉक्टर राधा कृष्ण रोड मायलपोर। ये दोस्तों चेन्नई का एड्रेस है।
और जो कैंडिडेट बड़ोदरा में है दोस्तों, उनका भी मैं एड्रेस आपको बता रहा हूँ। ये दोस्तों ऑफिस नंबर 105 फर्स्ट फ्लोर इम्पेरियल हाइट्स अक्षर चौक ओल्ड पदरा रोड, ये है दोस्तों बड़ोदरा ऑफिस का एड्रेस। और जो कैंडिडेट कोची में है दोस्तों, वो जोमर आर्केड थर्ड फ्लोर चित्तौड़ रोड अपोजिट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नियर साउथ मेट्रो स्टेशन एंड अर्नाकुलम केरला, ये दोस्तों केरला का कोची का ऑफिस है। तो जो भी कैंडिडेट दोस्तों पैसे दे करके मेन पावर ऑफिस से जाना चाहते हैं, आपको मैंने 5 जगह का एड्रेस बताया, मुंबई दिल्ली चेन्नई बड़ोदरा कोची, तो दोस्तों आप जा सकते हैं इस ऑफिस में जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको नीचे इनका हो सकेगा कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप डायरेक्ट ऑफिस ही चले जाओ ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑफिस जाकर के आप वहाँ का ऑफिस की इंक्वायरी कर लेना पहले कि ऑफिस जेन्युइन है कि नहीं है। अगर फेक होती है तो दोस्तों आपकी ये जिम्मेवारी होगी, क्योंकि अभी इज़राइल के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहा है, फेक कंसल्टेंसियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप किसी को पहचानते नहीं हो तो पहले उनके इंक्वायरी कीजिएगा। क्योंकि मेरा जो काम है, मैं आप तक खाली वैकेंसी पहुंचा रहा हूं, ऑफिस का नाम भी मैंने आपको बता दिया, मेरे को इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ना तो मैं इन ऑफिस वालों को जानता हूं, ना मैं इनसे कोई पैसे लेता हूं, मेरा काम सिर्फ आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है ताकि आपको हेल्प हो जाए अपने जॉब को प्राप्त करने में। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, आप जब भी जाएं किसी भी ऑफिस में जाएं तो पहले जाके इंक्वायरी कीजिए, उसका लाइसेंस देख लीजिए, ऑफिस का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई करें। क्योंकि अगर आपके साथ में कोई फ्रॉड होता है तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ऑफिस का एड्रेस बता रहा हूं, जो हमारे पास न्यूज आता है सूचना आती है उसके बेस पर। तो आप इसका इंक्वायरी करना जरूर कीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। और नेक्स्ट जो वैकेंसी आती है तो मैं आपका उसका भी अपडेट देता रहूँगा। तो चैनल पर दोस्तों पहली बार आएँ तो चैनल को अगर वीडियो ये अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम नई वैकेंसी या कोई भी इज़राइल से रिलेटेड न्यूज़ लेके आएँ या कोई यूरोप कंट्री से रिलेटेड वैकेंसी लेके आएँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।